हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल कैनेडियन डिज़ायर। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जिस तरीके से आप लोगों का रिस्पांस आ रहा है, आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि पर्सनल लेवल पे हर बंदे के कमेंट्स का जवाब दे सकूँ, और अगर किसी के कमेंट का जवाब नहीं दे पा रही हूँ तो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी। तो मेरे पास एक जो क्वेश्चन आ रहा है वो है क्रैंडल यूनिवर्सिटी के जो दो मास्टर्स कोर्स है, मास्टर ऑफ मैनेजमेंट और मास्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है। जो मास्टर ऑफ मैनेजमेंट का प्रोग्राम है वो 2 इयर्स का प्रोग्राम है, और उसके बाद 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। और इस प्रोग्राम में आपको हॉलीडेज भी होती हैं और साथ में इंटर्नशिप भी है 3 मंथ्स की, और इसमें 9 कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं 2 साल में। और जो मास्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट है वो 1 ईयर का प्रोग्राम है। वैसे तो 1 ईयर के प्रोग्राम के बाद 1 ईयर का ही वर्क परमिट मिलता है, लेकिन किसी किसी को इस कोर्स के बाद 3 इयर्स का वर्क परमिट भी मिल रहा है। तो इट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन एंड केस टू केस। और इस कोर्स को मैं भी कर रही हूँ, इस कोर्स में 1 ईयर में 10 कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं। कोई इंटर्नशिप नहीं है, कोई हॉलीडेज नहीं है, एक के बाद एक कोर्स होता है। और दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि क्या स्टडी पैटर्न है। स्टडी पैटर्न अगर मैं बोलूँ तो कंपैरेटिवली इंडिया से बहुत ईजी है। कोई एग्ज़ाम पैटर्न इन द सेंस कि रिटन एग्ज़ाम्स नहीं होते, आपको प्रोजेक्ट पेपर सबमिट करने होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, और वो आपको ऐसे करने होते हैं कि इट्स नॉट लाइक कि आपने किसी बुक में से असाइनमेंट करना है तो आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकोगे। असाइनमेंट्स आर वेरी डिफरेंट, आपको रिसर्च टाइप के असाइनमेंट्स होते हैं या प्रेजेंटेशंस होती हैं। तो इट्स मोर लाइक गिविंग यू अ प्रैक्टिकल नॉलेज रादर देन थियोरटिकल नॉलेज। और मैं अपनी बात करूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इंजॉय कर रही हूँ इस कोर्स को करते हुए। तो आप भी इंजॉय करोगे एंड टेक अ चिल पिल, इतना मुश्किल नहीं है, आप कर लोगे। और दूसरी बात यह है कि जो मास्टर ऑफ मैनेजमेंट का प्रोग्राम है, बेसिकली यूनिवर्सिटी भी यही कहती है कि ये प्रोग्राम उनके लिए जिन्होंने कभी मैनेजमेंट स्टडी नहीं करा है। और मास्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एक तरीके से दोनों सेम ही कोर्स हैं, उसमें बस ये है कि वो थोड़ा फास्ट ट्रैक चलता है और उसमें इंटर्नशिप नहीं है। तो अगर आपने कभी मैनेजमेंट नहीं पढ़ा है तो भी परेशान मत हो, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। आपको पता चल जाएगा कि कैसे करना है और कैसे नहीं करना। और यहाँ पर रेफरेंसिंग को बहुत ज़्यादा एक वो दिया जाता है इम्पोर्टेंस कि आपको रेफरेंसिंग करनी हो, जितनी अच्छी रेफरेंसिंग करोगे आपको उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो फॉर दैट देयर आर फ्यू वेबसाइट्स ऑल्सो जहाँ पे आपको पता चल सकता है कि APA फॉर्मेटिंग क्या होती है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो, कि जो क्रैंडल के कोर्सेज हैं उसके बाद आफ्टर वीज़ाज किस तरीके से होंगे। जैसे मैंने बताया कि जो टू ईयर का प्रोग्राम है उसको करने के बाद आपको 3 ईयर का वर्क परमिट मिलेगा, और 1 ईयर का प्रोग्राम करने के बाद आपको 1 ईयर का वर्क परमिट मिलेगा। तो बेसिकली अगर आप मेच्योर स्टूडेंट्स हो, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप डायरेक्ट PR एलिजिबल भी हो डालने के लिए। बट बेसिकली अभी न्यू बर्न्सविक ने अपनी एक्सप्रेस एंट्री PR बंद कर रखी है। इनफैक्ट मुझे भी वो डालनी थी सेप्टेम्बर में, बट लेट सी कि कब खुलती है वो PR, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए डायरेक्ट पाथवे है न्यू बर्न्सविक PR का। और उस PR की कंडीशन ये रहती है कि इट्स नॉट अ फेडरल PR, इट्स अ प्रोविजनल न्यू बर्न्सविक PR। तो उसमें यह होता है कि आपको आने वाले कुछ टाइम में न्यू बर्न्सविक में ही रहना होता है। ये एक कंडीशन न्यू बर्न्सविक PR में होती है जो फेडरल PR में नहीं होती। बट अल्टीमेटली यू गेट लाइक, अगर आपने कोर्स कर ही लिया, आपने पढ़ ही लिया और आपको न्यू बर्न्सविक PR नहीं चाहिए, तो आप फेडरल PR डालने के लिए भी 1 साल बाद एलिजिबल होते हो, तो आप वो भी डाल सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू। एंड नाउ कमिंग टूवर्ड्स द बेस्ट वे टू रीच द मंकटन। अब मंकटन आना कैसे है? अब जहाँ से भी इंडिया से फ्लाई कर रहे हो, चाहे दिल्ली है या मुंबई है या कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो वो आपको पहले टोरंटो या मॉन्ट्रियल लेके आएगी, और वहां से आपकी जो कनेक्टिंग फ्लाइट होगी वो मंकटन के लिए होगी। और जो भी आपकी इमिग्रेशन है वो यहाँ के मेजर एयरपोर्ट जैसे कि टोरंटो या मॉन्ट्रियल पे ही होगी, मंकटन में कोई इमिग्रेशन नहीं होती। एंड इनफैक्ट मंकटन का एयरपोर्ट जो है बहुत छोटा सा है, और एयर कैनेडा या फिर वेस्ट जेट की फ्लाइट से आप मंकटन पहुंचोगे। और इट ऑल डिपेंड अपॉन कि आपकी फ्लाइट कौन सी है। मैं जब आई थी तो मैंने एयर कैनेडा की फ्लाइट ली थी, जो दिल्ली से डायरेक्ट मॉन्ट्रियल की फ्लाइट थी, और उसके बाद वहां से मेरी जो फ्लाइट थी कनेक्टिंग फ्लाइट एयर कैनेडा की थी, जो मुझे मंकटन लेके आई। और इसी तरह से और भी फ्लाइट्स हैं, अगर मैं बात करूँ तो कतर भी है, इतिहाद भी है। मेरे हस्बैंड जब आए थे तो वो कतर से आए थे, और उन्होंने जब फ्लाइट ली थी तो ही हैड होल्ट एट दोहा, और फिर उसके बाद मॉन्ट्रियल के होल्ट के बाद उनकी जो फ्लाइट थी एयर कैनेडा के थ्रू ही थी। तो आप डायरेक्ट वेबसाइट से भी फ्लाइट्स बुक कर सकते हो, मेक माई ट्रिप से कर सकते हो, या वेबसाइट इन द सेंस कि जोन सी एयरलाइन है वहाँ पर डालो कि मेरे को इस सिटी से मंकटन फ्लाई करना है, और वो आपको सब जो भी आपके टिकट्स ऑप्शन होंगे आपको दिखाई देंगे। तो इस तरीके से आपने मंकटन पहुँचना है।
एंड आई वुड से कि ये मत करना कि आप दिल्ली से टोरंटो या दिल्ली से मॉन्ट्रियल की फ़्लाइट कर रहे हो और उसके बाद आप ऑटोमेटिकली दूसरी फ़्लाइट बुक कर रहे हो. डोंट गो फॉर दैट, वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगी, क्योंकि यहाँ की जब डोमेस्टिक फ़्लाइट्स चलती हैं तो उसमें जो आपका बैगेज अलाउंस होता है वो नहीं होता, आपको सिर्फ जो कैबिन अलाउंस होता है वो ही मिलता है. अगर आप बैगेज अलाउंस लेके आते हो तो यू हैव टू पे फॉर दैट. और अगर आप इंडिया से लेकर आ रहे हो और अगर आप सोचते हो कि मैं 2 दिन टोरंटो रह लूँगा या 2 दिन मॉन्ट्रियल रह लूँगा और आप डायरेक्ट फ्लाइट नहीं ले बुक करते दिल्ली टू मंकटन की, इन दैट केस आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाएगी वो फ़्लाइट लेना. तो गो फॉर लाइक गेटिंग अ फ्लाइट जहाँ से आप सीधा दिल्ली टू मंकटन डालो और वो एयरलाइन ही आपको थर्ड पार्टी के थ्रू आपकी टिकट बुक कर देगी, चाहे वो वेस्ट जेट के थ्रू करे या फिर एयर कैनेडा के थ्रू करे. नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा है कि अभी आने वाला जो सेमेस्टर है क्रैंडल यूनिवर्सिटी का, वो ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा. मेरी अभी तक की 60% स्टडीज़ कंप्लीट हो चुकी है. इनफैक्ट आज ही मैंने अपना सिक्स्थ रिसर्च पेपर सबमिट किया था और मेरी अभी तक की स्टडीज़ जो थी वो ऑनलाइन थी, और अब जो होने जा रही है सितंबर से वो ऑफलाइन होने जा रही है. इनफैक्ट एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ऑफलाइन नाउ ऑनवर्ड्स. जो भी क्लासेज हैं सब ऑफलाइन होगी, ऑनलाइन कोई पैटर्न नहीं होगा. और होपफुली हम सब वो क्रैंडल में बैठ के ही क्लासेज इंजॉय करेंगे, क्योंकि मैं भी ईगरली वेट कर रही हूँ. लास्ट सेमेस्टर है, क्रैंडल यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस भी करना चाहती हूँ. और प्रोफेसर्स की बात करूँ तो अभी तक मेरा सारे प्रोफेसर्स के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है. इन पर्सन अभी तक किसी से मिलने का चांस नहीं मिला. ऑल द यूनिवर्सिटी की तरफ से एक दो इवेंट ऑर्गेनाइज करे गए थे, बट आई वॉज लिटिल बिट बिजी, तो मैंने कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज जो हुए हैं उनमें पार्टिसिपेट नहीं किया. लेट्स सी आने वाले जो सेमेस्टर है उसमें सब ऑलमोस्ट सब प्रोफेसर से मिलने को मिल ही जाएगा. मुझे एक क्वेश्चन और आया कि यहाँ पे कितने इंडियंस हैं. मैं बात करूँ तो यहाँ पे इंडियंस डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं, एंड ड्यू टू क्रैंडल ओनली बहुत सारे इंडियंस आ रहे हैं. उसके अलावा टोरंटो मॉन्ट्रियल से भी काफ़ी इंडियंस मूव हो रहे हैं फॉर देयर पीआर पर्पसेस. और यहाँ पे इंडियंस इन मंकटन करके एक फेसबुक पेज भी है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो. और कुछ इंडियन इवेंट्स भी होते हैं, जैसे इंडिपेंडेंस डे का इवेंट भी था कल, और आने वाले वीक में जन्माष्टमी का इवेंट भी है, तो उसके रिगार्डिंग भी आपको उस पेज पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. और उससे कई बारी उस पेज पे काफ़ी बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन, लाइक कोई किसी के पास प्लेस होती है रेंट करने के लिए, या कोई चाहता है कि आप उसके साथ जगह शेयर करो, या फिर कोई और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लाइक जॉब्स वगैरह भी पता चलती रहती हैं, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी. और अभी आप जैसे देख रहे हैं कि मैं एक स्विंग पे बैठी हूँ, तो अभी मैं एक पार्क में आई हुई हूँ और आसपास छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं. तो अगर आप अपने बच्चों को लेके आ रहे हो तो ये बहुत अच्छी जगह है. यहाँ पे लेके पार्क्स में मतलब बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, तो आप ज़रूर आना, जैसे मैं भी एज इन एक बच्चा इंजॉय कर रही हूँ. और आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़.